हेलो स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द साइंस ऑफ 8th क्लास. सो इन 8th क्लास साइंस चैप्टर 3rd इज गोइंग ऑन. इन चैप्टर 3rd वी वर टीचिंग अबाउट द नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स. हम आपको नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के बारे में बता रहे थे, क्या होते हैं नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर. जितना मैंने आपको बता दिया है नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के बारे में, उसके आगे से देखिए. सिंथेटिक फाइबर्स आर ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब थोड़ा ज़्यादा चलते हैं, ठीक है. सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं, टिकाऊ होते हैं. ड्यूरेबल का मतलब टिकाऊ होते हैं एंड एक्सपेंसिव, और एक्सपेंसिव भी होते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं. दैट नेचुरल फाइबर्स बाई दे आर नॉन दैट नेचुरल फाइबर्स दैट दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. नेचुरल फाइबर कैसे होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिनको तोड़ा ना जा सके, मतलब जो पूरी तरह से नष्ट ना हो सके, वो नेचुरल फाइबर्स लिखा है. दैट नेचुरल फाइबर्स बाई दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल वो चीज़ होती है जिनको पूरी तरह से डिकम्पोज ना किया जाए, सड़ाया ना जा सके, पूरी तरह से उनको गलाया ना जा सके. कैसे? कुछ जैसे कुछ पॉलिस्टर, कुछ पॉलीथीन्स होती हैं, पॉलीथीन नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, गलती नहीं है, सड़ती नहीं है. अगर इसको फेंक देते हैं तो ज़मीन में जो है ना वो दब जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होती. इसी तरह से बायो नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो पूरी तरह से नष्ट ना हो, दैट इज डू नॉट डिकम्पोज, जिसको सड़ाया ना जा सके, गलाया ना जा सके, ओके, डिकम्पोज होता है. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर की. सिंथेटिक फाइबर के क्या क्या टाइप्स होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड पॉलीमर्स. ये मैन मेड होते हैं. सिंथेटिक फाइबर कैसे होते हैं? मैन मेड होते हैं, मीन्स दैट मानव के द्वारा बनाए जाते हैं. साथ ही साथ मैन मेड पॉलीमर्स, ठीक है. सिंथेटिक फाइबर्स कैसे होते हैं? मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं, मैनी ऑफ विच आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम. जो कैसे तैयार किए जाते हैं? पेट्रोलियम से तैयार किए जाते हैं, मेड फ्रॉम पेट्रोलियम से तैयार किए जाते हैं, ठीक है. बताया सिंथेटिक फाइबर्स आर मैनमेड फाइबर्स, मैनमेड फाइबर्स मैनमेड पॉलीमर्स होते हैं, मैनी ऑफ विच आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम से तैयार किए जाते हैं. फाइबर्स सच एज, अब यहाँ पर बता रहे कुछ एग्जांपल्स, कुछ सिंथेटिक फाइबर्स की एग्जांपल. फाइबर्स सच एज, जैसे रेयन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है एंड एक्रिलॉन है, आर मैन टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. ये कैसे हैं? ये मैन टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर है. क्वेश्चन आता है राइट एनी टू नेम ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, दैट टाइम्स यू कैन राइट रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलॉन, ठीक है. ऑल दीज आर द सिंथेटिक फाइबर्स, आर मैन टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. आगे लेट अस डिस्कस दीज फाइबर्स वन बाई वन. अब ये फाइबर्स हैं, इनको वन बाई वन नेक्स्ट की क्लास में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले रेयन, नायलॉन, इस तरह से वन बाई वन वी विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट क्लास. तो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर में बताया कि सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं, मैनी ऑफ विच आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम, जो जिनमें से बहुत सारे पेट्रोलियम से तैयार किए जाते हैं. फाइबर सच एज रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिन आर मैन टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. ये मैन टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर होते हैं, ओके. अब वी विल डिस्कस वन बाय वन इन माई नेक्स्ट क्लास, ओके. सो दिस इज द नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स एंड टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर. Enough for today. Thank you.